हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किचन में लेके आ गई हूँ ये ढेर सारी सब्जियाँ, जिसमें गोभी, मटर, गाजर और थोड़ी सी अदरक भी मैंने ली है। तो मैं इन सबकी आज बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गजब की रेसिपी बनाने वाली हूँ घर में रखी हुई सब्जियों से। तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने भगोने में बड़े से रख दिया है पानी, ये आधा भगोना लगभग पानी है और इसको हमें अच्छे से बॉयल करना है, अच्छे से इसको गर्म होने देते हैं। तो चलिए, जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं सब्जियों को कट कर लेती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने गोभी को ले लिया है और इसके मैं डंठल वाले पार्ट को सबको अलग कर दूंगी, केवल इसका फूल वाला जो पार्ट है वही यूज करूंगी। तो इस तरह से मैं इसका डंठल निकाल के और इसके छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से अलग अलग फूलों को मैं कर ले रही हूँ। आप इसे चक्कू से कट भी कर सकते हैं और नहीं तो आप हाथ से इस तरह से गोभी को निकालिए, आसानी से निकल जाता है। और बस मैंने गोभी कट कर ली है, तो मैंने अदरक को भी अच्छे से छील लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद मटर और गाजर को भी मैं अच्छे से छील लेती हूँ। तो देखिए, मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से छील कर ले लिया है। मैं इसको थोड़ा सा धुल लेती हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं धुल के किचन में इसको लेके आ गई हूँ। और मैं सबसे पहले अदरक कट कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से पतली लंबी पीसेस में कट किया है। अदरक आप अपने मन मुताबिक कैसे भी कट कीजिए, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं बिल्कुल बारीक। मैंने तो इसे पतला लंबाई में कट कर लिया है स्लाइसेस में। और इसके बाद मैं गाजर कट करूंगी, तो गाजर को भी आप अपने हिसाब से कट कीजिए, आपको जैसे खाना हो, छोटा बड़ा जैसे भी पीस आपको रखना है। देखिए, मैंने इसको कुछ चौकोर पीस में कट किया है, कुछ को मैं इस तरह से इसको जैसे हम लोग सलाद वगैरह में कट करते हैं रफली, बिल्कुल इस तरह से, कोई भी डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, आप कैसे भी इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं थोड़ी सी गाजर को इस तरह से कट करूंगी और थोड़ी को मैंने चौकोर पीस में कट किया है। तो बस फ्रेंड्स, मैं गाजर को भी अच्छे से कट करके रेडी कर लेती हूँ। इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे अपनी रेसिपी। पानी भी हमारा उधर अच्छे से गर्म हो गया है, हमें पानी लगभग बॉयल होने लगेगा, इतना गर्म करना है। तो देखिए, गाजर हमारी अच्छे से कट गई है, मैं इसको फटाफट से मैंने कट कर लिया है। हमारी सारी सब्जियां कट के बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपना पानी, और ये देखिए हमारा पानी जो है वो अच्छे से उबल रहा है, अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो बस अब हम इसमें ये सब्जियां जो हमने कट करके रखी हैं ना, इसको इसमें डाल देंगे। और मैं सारी सब्जियों को इसमें इस तरह से डाल दे रही हूँ, और डालने के बाद इसको हमें हल्का थोड़ी देर के लिए रखना है इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी सब्जियों को इसमें पानी में उबलते हुए डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि सारी सब्जियाँ ऊपर नीचे अच्छे से हो जाएं। और ये देखिए, इसमें एक गाजर ऐसे ही पड़ी रह गई थी, मैं उसको कट करना भूल गई थी, तो मैं इसे भी कट कर देती हूँ इसी में। और मैंने इसमें नमक वगैरह, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है पानी में। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच से भी कम, और थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं इसमें, लेकिन आप अगर नहीं डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी ये रेसिपी बन जाती है। तो देखिए, मैंने पानी में सारी सब्जियों को डाल दिया इस तरह से, और आप अगर चाहें तो इसे एक तरीके से और स्टीम करके भी सब्जियां ले सकते हैं। आप इस तरह से जाली वाली कोई थाली हो आपके पास तो उसे उबलते हुए पानी पे रखिए और सारी सब्जियां इस थाली में डाल दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। 5 से 7 मिनट में हमारी सारी सब्जियाँ, ये जो हमने कट करके ली है ना, इसमें ये स्टीम से हल्का पक जाएंगी। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से पानी में डाल के बनाते हैं ना उबलते हुए, तो इससे ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस फ्रेंड्स देखिए, हमने इसमें पानी में डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से चला देती हूँ, और इसमें नीचे से हल्के देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो बस इतना ही हमें रखना है, इस हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ज़्यादा इसे हमें उबालना नहीं है, नहीं तो हमारी सब्जियाँ ज़्यादा पक जाएंगी, बिल्कुल मैश होने लगेंगी, तो रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और इसके बाद मैं इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही गर्म पानी में छोड़ देती हूँ। और ये देखिए, 2-3 मिनट हो गया है, तो मैंने इस तरह से जाली वाली थाली ली है, नीचे एक बर्तन रखा है और उसमें इन सारी सब्जियों को मैं निकाल लेती हूँ ताकि सारा पानी इसका नीचे निकल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसमें हमें स्टीम लगाना है, हल्का सा इसे हमें सॉफ्ट करना है सब्जियों को, बस इतना ही हमें रखना है, तभी हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। और देखिए, मैंने सारी सब्जियों को छान लिया है इस तरह से और जाली वाली थाली में, इसका पानी नीचे से निकल जा रहा है, तो इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, इसका पानी भी सारा निकल जाएगा, तब इसको हम इस तरह से धूप में फैला देंगे। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से हल्की सी धूप लगा दी है, और धूप में भी हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है कि ये बिल्कुल सूख जाए, हमें इसे सुखाना नहीं, केवल इसका मॉइस्चर हमें हल्का सा ख़त्म करना है। और जब इसका मॉइस्चर हल्का सा ख़त्म हो जाएगा, इससे पानी जो इसमें लगा हुआ है ये सूख जाएगा, तब देखिए हम इसकी बनाएंगे अपनी रेसिपी। तो देखिए, मैं लेके आ गई हूँ किचन में और हमारी ये सब्जियों का मॉइस्चर बिल्कुल चला गया है, तो मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ रेसिपी बनाने की, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं बना के आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं घर में बची हुई सब्जियाँ या घर में रखी हुई
सब्जियों से बना रही हूँ सतरंगी अचार, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे गर्म होने के लिए। इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े धनिया डाल दी है साबुत, और थोड़ी सी आधी चम्मच के लगभग मेथी डाल दी है, और ये लगभग 1 चम्मच के लगभग मैं इसमें जीरा डाल दे रही हूँ, और इसको अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 चम्मच यानी कि 1 बड़े चम्मच सौंफ। सौंफ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा अचार जो है टेस्टी लगता है खाने में। बस इन सबको हम रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें मसालों को नहीं भूनना है। बस हमारे सब जो मसाले हैं उनमें से हल्का सा मॉइस्चर चला जाए बस। तो देखिए, मसाले हमारे भुन गए, तो मैंने उसको उस चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया है, और इस पर गर्म कर ले रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। और हमारे मसाले जब थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए, मसाले हमारे हल्का हल्का ठंडे हो गए हैं, तो मैंने इसको मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है, और इस तरह से इसको मैं दरदरा पीस कर एक इसका मसाला तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने डाल दिया है, और मैं इसे फटाफट से पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इसे हमें हल्का दरदरा ही रखना है। तो हम जो है मिक्सर ग्राइंडर में इसे डालकर और मिक्सी को ऑन ऑफ करेंगे, तभी हमारा ये दरदरा बनकर तैयार होगा मसाला। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें इसे पीसना है। ये देखिए, मैंने मसालों को बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है, इसको हल्का दरदरा ही रखा है। और ये मेरे पास थोड़ा सा यही मसाला है, केवल मैंने इसमें सरसों डाला था उस वाले में जो आज बनाया, इसमें सरसों मैंने नहीं यूज किया है, तो मेरे पास रखा था तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप जब सारे मसाले भून लेना तो उसमें थोड़ा सा सरसों, मतलब लगभग 1 बड़े चम्मच सरसों भी डाल दीजिएगा। मेरे पास पहले से रखा था सरसों वाला मसाला, तो मैंने उसी को उसमें डालकर मिक्स कर लिया है। और बस इसके बाद मैंने अपने अचार को एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया है, और इसमें ये मसाले जो मैंने आज बनाए थे और जो पहले से मैंने रखा था जिसमें सरसों भी पड़ी हुई थी, दोनों को मिक्स करके इसमें डाल दे रही हूँ। तो मुझे जितना ज़रूरत है मैं उतने ही मसाले इसमें डालूंगी, अगर मुझे लगेगा कम है तो मैं बाद में और भी डाल दूंगी। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 चम्मच के लगभग ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा हमारे मसालों में। और इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। तो नमक हमें यहाँ स्वाद के अनुसार ही रखना है, अचार वगैरह में थोड़ा सा नमक तेज़ रहता है तभी अचार अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि अभी हम जिस बर्तन में इसे रखेंगे ना उसमें भी थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो अपने हिसाब से आप डालिए। और इसके बाद मैंने इसमें ये 2 बड़े चम्मच डाल दिया है सिरका, यहाँ मैंने गन्ने का सिरका लिया है, शुगर केन विनेगर, आप किसी भी ब्रांड का विनेगर ले सकते हैं, जामुन का सिरका, गन्ने का सिरका, आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, और उसमें ज़रूर डाल दीजिए। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है, आप नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और उसको हमें जो है अच्छे से उसका बीज वगैरह नहीं डालना है, बस नींबू के रस को निचोड़ के और इसमें अच्छे से डालना है 1 कटोरी के लगभग। जैसे मैंने 2 चम्मच सिरका लिया है, तो 2 बड़े चम्मच आपको नींबू का रस इसकी जगह पे डालना होगा। और बस इसमें मैंने ऊपर से ये देखिए डाल रही हूँ ये कुटी हुई लाल मिर्च है, क्योंकि मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है, आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, तो मैं इसमें तीखापन लाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दी थोड़ी सी कलौंजी, क्योंकि मैंने मसालों में कलौंजी नहीं भूनी थी, नहीं तो उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, तो मैं ऊपर से ही कलौंजी को इस तरह से डाल दे रही हूँ। और देखिए, हमारा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है, घर में रखी हुई सब्जियों से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये हमारा सतरंगी अचार बन जाता है। और खाने में तो मत पूछिए, आप इसे दाल, चावल, पूरी, सब्जी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, सच में बहुत मज़ा आ जाता है खाने में। और इसके बाद देखिए, मैंने इस तरह से ले लिया है एक डिब्बा, तो मैंने यहाँ प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, आप अगर कांच के बर्तन में इसे रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। तो मैंने इस तरह से इसमें तेल और नमक डालकर और इसको ग्रीस कर लिया है, ताकि हमारे अचार जो है वो जल्दी से ख़राब ना हो। और बस मैंने तेल और नमक को पूरे डब्बे में इस तरह से लगा लिया है, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि अचार में हमें नमक थोड़ा कम ही डालना है उस समय, क्योंकि हम डिब्बे में भी इस तरह से नमक लगाएंगे। और बस मैं इसमें रख ले रही हूँ अपने अचार को सारे को भर के, इसके बाद हम इसे 6 से 7 दिन धूप दिखा देंगे, तो हमारे अचार ये बहुत जल्दी सब्जियों वाले गल जाते हैं और खाने में तो बहुत ही गजब के लगते हैं। तो देखिए, मैंने एक डिब्बा भर लिया है, तो मेरे पास इस तरह से एक छोटा बर्तन भी है और मैं इसमें रख लेती हूँ, तो मैं इसे भी ग्रीस कर लूँगी नमक और तेल डाल के इस तरह से। जब हम प्लास्टिक के बर्तन में रखें या कांच के बर्तन में इस तरह से
हम ये नमक और तेल लगा के जब इसे ग्रीस कर लेते हैं ना, तो हमारे अचार काफ़ी दिनों तक चलते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये एक छोटी सी किचन टिप्स है जो कि बहुत ही काम आती है हमारे। आप इस तरह से डिब्बों को ग्रीस करके रखिए, चाहे कांच के हों चाहे प्लास्टिक के, तो हमारे अचार थोड़ा ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा सब्जियों से बना हुआ सतरंगी अचार की रेसिपी वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।